बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत खुशी होंगे। व्यूअर्स हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। व्यूअर्स मैं आज काफ़ी दिनों बाद मेहंदी और मायों की ब्राइडल्स के लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेहंदी और जो आप लोगों ने अपना ब्राइडल फ़ोटोशूट करवाना हो उसके लिए डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। अब आप लोग देखें, इसमें इन्होंने तकरीबन ज़्यादातर येलो कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं। साथ में आप देखें कि किस तरह की मेहंदी लगाई हुई है, किस तरह के इन्होंने गजरे हाथों में हाथ फूल पहने हुए हैं, किस कलर के फ्लावर्स के आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। साथ में आपने देखें इन्होंने बेड के साथ भी डिज़ाइनिंग की हुई है और बालों में भी इन्होंने फूलों के जो हैं गजरे वगैरह लगाए हुए हैं। आप ये देखें, मिरर वर्क का हैवी लहंगा ड्रेस बनाना है आपने, या आप ऑरेंज कलर का, येलो कलर का सिंपल ड्रेस बनाकर उस पर लाइट गोल्डन कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं। आपने अगर फ्रॉक बनानी है, लॉन्ग फ्रॉक, तो आप कलियों वाले स्टाइल में बना सकती हैं और तमाम कलियों में आप उसमें गोटे की लेस भी लगा सकती हैं। आपने शॉकिंग और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन करना है, या आप इसके अलावा ग्रीन, शॉकिंग, ऑरेंज, गोल्डन, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन करना चाह रही हैं तो आप इस कलर के कॉम्बिनेशन के भी आइडियाज़ देख लें जो आप लोगों को इसमें से ड्रेस सबसे अच्छा लगे, आप उसमें से स्नैपशॉट लेके रख लें। और आप ये देखें कि कौन से ड्रेस में कौन सा फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है। ज़्यादातर फैब्रिक जो है जैकार्ड फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है, जो कि गोल्डन छापे के साथ या गोल्डन तीले वर्क के साथ मिल जाता है। आप उसमें कोई भी कलर ले सकती हैं मार्केट जाके, चाहे वो आप थ्री पीस सूट लें या वन पीस लें, हर तरह के उसमें ड्रेस आए हुए हैं। अब ये देखिए, इन्होंने नेट का दुपट्टा बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से गोटे की लैस, जो इसमें आप देख रहे हैं तीले वाली लैस लगाई हुई है, या इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल ड्रेस कर सकती हैं। पूरा एक लाइट येलो और डार्क येलो कलर का भी आप कर सकती हैं। येलो कलर का शेड आप देखें कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। फिर आप ये देखें, इसमें शॉर्ट शर्ट के साथ आपने लहंगा बनाना है या लॉन्ग शर्ट के साथ, ये आप हेयर स्टाइल चेक कर लें इनका। आप हेयर स्टाइल का भी आइडिया ले सकती हैं, जो हेयर स्टाइल आपके ऊपर ज़्यादा सूट करे, आपके फेस के साथ जो लगे आपको कि इस तरह का हेयर स्टाइल हमारे फेस पर अच्छा लगेगा, तो आप वो हेयर स्टाइल ज़रूर बनवा के चेक करें। व्यूअर्स अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो साथ में एक बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग देखते रहें। इसके अलावा आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें बताइएगा कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आएँ। व्यूअर्स आप इसमें मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आपने अगर फ़ोटोशूट करवाना हो तो उसमें आप किस तरह के जो है आप इसमें बनवा सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को फ़ोटोशूट कैसे करवा सकते हैं, और साथ में आप इसमें देखें कि इन्होंने मेहंदी कैसी लगवाई हुई है। बहुत ज़्यादा ने बहुत हैवी मेहंदी लगाई हुई है और कुछ ने बहुत सिंपल सी लगाई हुई है, लेकिन मेहंदी हर तरह से अच्छी लग रही है। व्यूअर दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ और एक बहुत अच्छे आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।